कमल साहब आप वीडियो देखिए, सबूत देखिए राहुल गांधी की। आप लोग वीडियो भी बना लेते हैं और क्या। हम देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद, ये भारी भीड़ आएगी कंबल पे। हम लोग होशियार हो चुके हैं, सारी चीजें उन्होंने को कहा जा रहा है। आज आपने राहुल गांधी का भाषण सुना, वो बता रहे थे हिंदुत्व हिंदुत्ववादी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं पोस्टरों में पढ़ा उसमें लिखा था कि महंगाई हटाओ, लेकिन महंगाई पे तो मुझे नहीं दिखा कि एक भी सब। आज के 15 साल पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगते थे, हाँ। रात में लोग जाते थे कि अपना सिलेंडर लाइन में लगाने के लिए, हाँ। कि मेरा सिलेंडर मेरा सिलेंडर। एक गाड़ी में 200 सिलेंडर आता था, पता लगा 200 लोग निकल गए, 300 लोग आए तो 200 लोग वापस जाते थे। आज वो दशा है, घर घर सिलेंडर जा रहे हैं, सबको राशन महीने में 2 बार राशन मिल रहा है फ्री में, हाँ। कौन कह रहा है कनेक्शन फ्री मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, महंगाई के जमाने में राशन नहीं मिल रहा है, ये खुद कोटेदार है। हम जब थे तब अमेठी का विकास हो रहा था, हम सड़कों का जाल बिछा दिए थे, हम अपने पिताजी के साथ जीप में बैठ के आया करते थे, हमारा आपसे पारिवारिक रिश्ता, घूमने आते थे। महंगाई किस चीज की है, सब कुछ तो योगी सरकार फ्री दे रही है, 6,000 रुपए सालाना किसानों को हम दे रहे हैं, जिसको बढ़ा के मोदी जी 12,000 करने वाले हैं, उसके बाद सारे 80 करोड़ हम दे रहे हैं, डबल नमक दे रहे हैं, नमक चना क्या खुद पाए। अगर अगर भाई उनको महंगाई लग रही है तो उनके लिए महंगाई आई है, क्योंकि उनका धंधा बंद हो गया। चंद लोगों को लाभ मिला भैया, चंद लोगों को लाभ मिला। मेरा नाम आनंद मौर्य है सर। अच्छा, ये दुकान लगाते हैं जी? यही हारी मोह गुंगे मोह गेट के सामने मेरा दुकान है, मौर्य रेडीमेड के नाम से। आज उसी के ठीक सामने राहुल गांधी आए थे? जी जी जी, हमारे ही सामने आए थे। अच्छा, दुकान बंद कर दिए जी? दुकान आज हमने खोला ही नहीं, देखा वो चेहरा देखना पसंद नहीं रहे, और उसके बाद हमने दुकान ही नहीं। आपके सांसद है 15 साल कह रहे चेहरा भैया, कोई सांसद नहीं थे वो, हाँ कुछ नहीं किया हमारे लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बोल रहे हैं हिंदू है, हम भी तो एक हिंदू है भैया, कोई हिंदू नहीं है, हम हर साल अयोध्या जाते हैं 14 को से परिक्रमा करने। अच्छा, 4 किलोमीटर के अंदर रेंज बोल रहे हैं पैदल यात्रा में, अभी बस पे आए थे, बस से गए, बस से ही गए। भारत माता की, भारत माता की, कोई प्रभाव नहीं। बता रहे हैं कि यहाँ पे हम विद्यालय लाएंगे, यहाँ पे ये लाएंगे, सड़क का जाल बिछाएंगे, क्या सड़क, कौन सी सड़क बनवाएंगे? पूर्वांचल एक्सप्रेस आप जाकर देख लीजिए, आज सबसे हाई कमान पर है पूरे इंडिया में। आज विक्रमा एक्सप्रेस का आगे आइए भैया, क्या नाम है आपका? सुनंद कुमार। कौन सा रिश्ता है, पारिवारिक के राजनीतिक? राहुल गांधी से राजनीतिक रिश्ता है, अब मोदी जी से पारिवारिक रिश्ता। उल्टा बता रहे हैं राहुल गांधी का। कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं, जब से स्मृति ईरानी सांसद बनी तब से कितना, 2.5 साल से स्मृति ईरानी जी ने हमारे विकास किया, लाइट नहीं मिल रही थी, बहुत से विकास किए भैया, लाइट मिलता था दिन रात दुकान पे, पहले लाइट मिलती थी 7 घंटे 7 दिन, हम लोग बोलो बोलो बचाओ, हम लोगों को 18 से 20 घंटा तक लाइट मिल रही है, हमारे योगी जी कह रहे भैया, हम आपको बताते हैं कि एक जमाना वो था जब हमारे माननीय सांसद जी पूर्व राहुल गांधी जी सांसद थे और देश के वीटो पावर थे मनमोहन जी के काल में, और उस समय हमको 1 हफ्ता दिन में लाइट मिलती थी, 1 हफ्ता रात में, और लाइट के पीछे मुझे मोटरसाइकिल से दौड़ना पड़ता था, वो भी विकास करेंगे, मोटरसाइकिल से दौड़ना पड़ता, क्योंकि 12 बजे रात में लाइट आती थी और सुबह 8 बजे चली जाती थी 1 हफ्ते, और 1 हफ्ते रात में, 1 हफ्ते सुबह दिन में 12 बजे आती थी और 6 बजे चली जाती थी। किसानों का बुरा हाल निकल गया, हम लोग व्यवसाय का बुरा हाल कितना बदला हुआ है, अब हमको 20 घंटे से 18-20 घंटे लाइट मिलती है, कंटिन्यू मिल रही है, और इन्वर्टर हमारा बैठता नहीं, कभी नहीं बैठता,
कि इन्वर्टर बैठ जाए। अच्छा ये कह रहे प्रियंका गांधी कहने से कुछ यूपी का माहौल बदला दिख रहा है? कुछ नहीं बदला, दादी की साड़ी की साड़ी के पास, दादी की साड़ी। एक मिनट रुक, जो संसद में बैठकर आंख मारे, जो संसद में बैठकर आंख मारे, खेतों में टायर लगवाए, खेतों में टायर लगवाए, संसद में बैठकर आंख मारे, वो क्या विकास करेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं रोडों का जाल बिछाया गया है उनके कार्यकाल में। आप इसके पहले हम आपको कई सारी फोटो दिखा सकते हैं, इस लोकसभा अमेठी की जो इनका संसदीय क्षेत्र रहा करता था, वहाँ गड्ढा इतने बड़े बड़े रोड पे सलून चले जाइए, मम्मी है वहाँ चले जाइए आप अयोध्या, ठीक है? भाषण जो बता रहे थे हिंदू हिंदुत्ववादी, वो क्या बताए कि मैं हिंदू हूँ? कभी इस देश में, भारत देश में रहते हैं, कभी उन्होंने भारत माता की जय बोली? आप कभी सुने कोई बोला कि भारत माता की? या प्रभु श्री राम का नाम उन्होंने लिया, कहते हैं मैं हिंदू हूँ, हिंदू हिंदुत्ववादी की परिभाषा बताते हैं। यहाँ से वो सांसद हुआ करते थे, मैं कहता हूँ वो केवल 10 ग्राम सभा का नाम बता दें, पूरे लोकसभा क्षेत्र का आज भी अगर बता दें तो जो कहे मैं उनका वो करने के लिए तैयार हूँ। अमेठी का केवल नक्शा बता दे, जिसको गन्ना, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, राहुल गांधी की बड़ी उपलब्धि बताता हूं, राहुल गांधी का नरकुल क्या है, राहुल गांधी की बहुत बड़ी उपलब्धि बताता हूं, इस विषय पर क्या बात करते हैं? अरे गन्ना और गुड़ के बाबू बवाई तो राजीव गांधी हमारे कराते थे। अमेठी के भाषण में राजीव जी से कहा गया कि हमारे यहाँ चीनी बहुत महंगी है, तो उन्होंने कहा गुड़ बवा दीजिए। जिसके बाप को ये नहीं पता है कि गुड़ की खेती होती है गन्ने की होती है, तो उसका लड़का क्या करेगा? आज विदेश सुने आप भाषण के भाषण सुनने में विरोध कर रहे हैं। जो मेरे क्षेत्र में जिस तरह की दुर्दशा थी, उस दुर्दशा को माननीय स्मृति ईरानी जी ने जो किया है, मैं इसके इसमें पक्ष में हूँ और मैंने इसका दंश झेला है। चाहे आप रेज घाट से जगदीशपुर का रोड देखें, जगदीश और रेज घाट से जो रायबरेली रोड इनौना जाता है उस रोड को देखें, चाहे से किसी रोड को देखें, भाजपा सरकार के पहले क्या स्थिति थी, आज एक मैं ये समझना चाहता हूँ, और पूछना चाहते रिश्ता उनका कितने बढ़िया है। अमेठी से बड़े अच्छे रिश्ते थे उनके बाप के, लोगों को मूर्ख बनाया गया, लोग जानते नहीं थे, ठेकेदारी पद्धति थी, बक्से में वोट डाल दिए जाते थे, ठेकेदार लोग पैसा लेते, एक आदमी रोड डालते थे, सुनिए जिप्सी मिलती थी लोगों चंद लोगों को, अमेठी गिनती में चंद लोगों को ठेकेदारों को जिप्सी मिले हैं माननीय राजीव गांधी जी से, वो लोग उनका बक्से में वो डाला करते थे, जनता जाती थी प्रेम से वापस आ जाती थी, ये जानते थे। आज ठेकेदारी पद्धति खत्म हो गई, जनता अपने अमूल वोट को पहचान गई, वोट दिया, स्मृति ईरानी को जिताया और अपना बढ़िया विधिवत अच्छे सांसद के चुनाव किया है, ठीक है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, बिल्कुल, और पूछिए कि मैं लगातार जैसे इसके पहले जयपुर गए हुए थे राहुल गांधी, अब यहाँ अमेठी आए हुए हैं, बता रहे थे आप लोग पारिवारिक रिश्ता है, मैं अब और बताते हैं, नहीं पहले पूछना था और पूछना चाहता हूँ, मैंने राजीव गांधी जो रेल घाट पुल आप देख रहे हैं, सुना होगा इसी क्षेत्र में है फैजाबाद और अमेठी का बॉर्डर, रेज घाट का पुल का उद्घाटन शिलान्यास करने है माननीय राजीव गांधी जी ने और सोनिया जी ने, छोटे से एक तखत पे मैंने रोका, हमारे मामा जी ने अध्यापक थे, मैंने रोका, मैंने उनका स्वागत गीत गाया, मैंने गाया पंडित राजकुमार शुक्ला हमारा नाम है, चंदुआ ग्राम सभा का मैंने, सुनिए मैं चंदुआ ग्राम सभा का रहने वाला, चंदुआ ग्राम सभा का रहने वाला, तो मैं छोटा सा बालक था और मैंने उनका स्वागत गीत गाया है, दो पंक्ति अभी तुम्हें बता रहा हूँ, कैसे स्वागत करूँ मैं श्रीमान का भेंट में कौन सी वस्त्र लाऊं यहाँ, हे सुदामा के तंदुर न सबरी के फल फिर भला आपको क्या खिलाऊं यहाँ, ये मेरी गीत थी। इस गीत को मैंने उनके पिताजी को सुनाया, वो उस समय भी था, लेकिन उस समय भी लोग बड़े राजीव भैया राजीव भैया राजीव भैया का लाभ करते थे, लेकिन जनता यहाँ की मूर्ति ठेकेदारों की बिकाऊ थी, वोट डाल दिया जाता था, वोट जनता नहीं डालती थी, ठेकेदार बैठे उनके ठेकेदार, आप चाहे पाली से देख लीजिए, किसी क्षेत्र से बात करें पाली से देख लीजिए, अमेठी यहाँ मान लीजिए थौरी आपका यहाँ जो आम घाट पुल है यहाँ का बॉर्डर देख लीजिए, कहीं से देख लीजिए, चाहे अमेठी राजा साहब को देख लीजिए,
जी ने कहा कि हमारा अमेठी से दिल का रिश्ता है या पारिवारिक रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता से उनका नहीं था, सिर्फ उनका रिश्ता एंजॉय करने के लिए आते थे, पर्यटन स्थल समझे, किसानों की जमीन हड़पी, कोई भी विकास 15 साल में हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी विकास, हमारी सांसद महोदय ने बहुत से विकास काम किए हैं, जैसे ट्रामा सेंटर जगदीशपुर, ऑक्सीजन प्लांट जगदीशपुर में, तिलोई में 200 बेड का हॉस्पिटल, सभी अमेठी के जो जितने भी बूथ हैं, लगभग लगभग सभी बूथों पर सोलर लाइट, सभी बूथों पर नल और ठंड में कंबल का वितरण अभी चल रहा है। 20,000 कंबल हमारी सांसद महोदय ने पिछले साल भी बंटवाया था, इस साल भी बंटवा रहे हैं, ऐसे विकास काम किए गए। 20 साल जो यहाँ के सांसद रहे, अब आप चले जाइए सफाई, चले जाइए वहाँ, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री मिनिस्टर थे यूपी के, उन्होंने वहाँ कितना विकास किया, बहुत विकास किया। आज कोई सफाई जाता तो वहाँ नाम लेता कि हम सफाई आए, सफाई आए, हैं। लेकिन आज अमेठी, क्योंकि उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, हैं, उनके जो है चाचा जी जो संजय गांधी थे।